बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेकर आए हैं स्पाइसी खाने वालों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में स्पाइसी स्मोकी चिकन रोस्ट। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी शुरू कर। तो यहाँ पर हमने दो चिकन क्वार्टर पीस लिए हैं, जिसे थाई पीस और लेग पीस भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम कट्स लगाएंगे, कट्स थोड़े से गहरे लगाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के कट्स लगाए हैं मैंने। यहाँ पर हमने 1 टी स्पून जो है पिसी लाल मिर्च ली है और 1 टी स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च ली है। तो ये दोनों हम लेंगे। यहाँ हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ठीक है। और यहाँ पर हम तकरीबन 1/2 टी स्पून जो है कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें हसबे जायका। मैं यहाँ पर 1 टी स्पून ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, यहाँ जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने की चम्मच दही ऐड करेंगे। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ मैं 2 चुटकी जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ, ताकि कलर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आए। अब हम पीसेस के अंदर अच्छे से मसाला लगा लेंगे। जहां जहां कट्स है वहां पर भी आपने अच्छे से मसाले को अंदर तक लगाना है। आप ये जो मसाला मैंने बनाया है, ये तकरीबन 3 पीसों में आराम से लग जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं और इनका जो वेट है वो तकरीबन 700 ग्राम है। तो आप यहाँ 3 पीस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। अब हम यहाँ पर एक पतीली ले लेंगे, जिसका तला थोड़ा मोटा हो, और उसे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और इसके अंदर जो अपनी चिकन के क्वार्टर पीस हैं वो हम रख देंगे। 1 मिनट के लिए आंच तेज रखनी है, और उसके बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, यानी लो मीडियम पे हमें रोस्ट करना है। जो मसाला बचा था वो भी हम इसके ऊपर ही लगा देंगे, ताकि अच्छे से स्पाइसी बन सकें। अब ये हो चुका है, तो अब हम इसे टर्न कर रहे हैं। एक साइड को तकरीबन मैंने 30 मिनट के लिए रखा था, उसके बाद इसकी साइड हम चेंज करेंगे, और इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है ना, दोबारा से दूसरी साइड भी हम इसकी रोस्ट करेंगे। ये भी मैं लो मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट कर रही हूँ। अब हम इसे स्मोक कर रहे हैं, तो एक कोयला जो कि मैंने पहले से दहका लिया था। ये लीजिए जनाब, हमारे स्मोकी चिकन रोस्ट बिल्कुल बन के तैयार है।